ଆମ୍ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଶୀମଠ ନଗରପାଳିକାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ତାରିଖ ପରେ ଚିତ୍ର କେମିତି ବିଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ହଠାତ୍ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଦିବାର ରହିଛି, ତାହା ଫାଟି ଯାଇଛି। କେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ କେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫାଟିଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାନ୍ଥ ଫାଟିକି କେମିତି ଇଏ ଜେପି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର କମ୍ପାନୀର ଇଏ ଦିବାର ଫାଟିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହଠାତ୍ ଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ତାର ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖେବେ ଉପରେ କେମିତି ଘର ରହିଛି, ଘରର ଠିକ୍ ତଳେ ଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି। କେଉଁଠୁ ଏ ପାଣି ଆସିଲା, କାହିଁକି କେମିତି ଚିତ୍ର ହେଲା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲେ। କିଛି ପୁରୁଖା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପ ୟହାଁ ସେ ବହୁତ ପୁରାଖା ପୁରାନା ଲୋକ ଲାଗତେ ହେଁ, ଜିନ୍ଦଗି ମେଁ ଅଭି ପହଲେ ସେ ଏସେ କୋଇ ଫିଲ୍ ଆୟା ହେ ୟା କଭି ଦେଖେ ଏସେ ଚିଜ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭି କଭି ନାଇଁ ଦେଖା, ଇଏ ପହଲି ବାର ହେ ସବ ଜଲ ଜଲ ଆୟା ଜୋଶୀ ମଠ ମେଁ ପହଲି ବାର। କୌନ ସି ତାରିଖ ସେ ହୁଆ? ୟେ 4 ତାରିଖ କୋ। ହାଁ, जैसे कोई मतलब कोई जैसे अर्थ कोई होता है, जैसे भयंकर स्थिति कुछ होता, मतलब कुछ जब क्रैक हुआ कोई, मतलब ऐसे साउंड या कुछ भी आपको महसूस हुआ था उस टाइम? जहाँ नजदीक जो लोग रहे थे उनके यहाँ पे उनको महसूस हुआ था कि कुछ आवाजें आ रही है जमीन के अंदर। अब जो हम लोग दूर दूर थे तो हमें आभास नहीं हुआ। जो बिल्कुल क्लोज में जिनके मकान फट गई है तो उन लोगों ने महसूस किया था कि ये जमीन के अंदर कुछ आवाज आ रही है, ऐसा कुछ हुआ था। ये जो पानी अभी हम देख रहे हैं, पानी एक दीवार के नीचे आ रहा है, ये पानी पहले से आ रहा था या अभी? अभी निकला है, अभी। अच्छा, इसका क्या कारण हो सकता है? आप बहुत पुराने आदमी हैं यहाँ से। तो एक तो कारण, मेन कारण है जो ये टनल बन रही है हमारे यहाँ पे, पावर प्रोजेक्ट जो नया बन रहा है NTPC, इसके द्वारा टनल बनाई जा रही है। टनल की वजह से ज्यादा चांसेस उसी के हैं, बाकी हम क्या कह सकते हैं उसमें, अंदर की बातें हैं कि टर्नल की ज्यादा। और जो स्वरेज की बात है, ड्रेनेज की बात है, क्योंकि पहाड़ में बारिश होता है। हाँ, कई बार कभी कुछ ऐसा है कि ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं हो पाया। और अब काम शुरू हुआ है? अब काम शुरू हुआ, एंड पे है ड्रेनेज सिस्टम का, सीवर का इसका काम। अच्छा, एंड पॉइंट पे था, लेकिन अभी देखो अब कई जगह तो जमीन धसने से तो ब्रेकेज हो गए होंगे वो फिर से। आपके टाइम में जो लोग यहाँ पे थे, काफी लोग में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे भी लोग कम हुए हैं, तो आपके इलाके में लोग बढ़े हैं या बढ़े हैं? बढ़े हैं, हमारे इलाके में बढ़े हैं, क्योंकि ये पर्यटन से उससे जुड़ा हुआ शहर है। बद्रीनाथ यहाँ पे है, केदारनाथ यहाँ नजदीक है, इस वजह से पर्यटन नगरी। औली है हिम क्रीड़ा स्थल, तो उस पर्यटन की वजह से यहाँ पे बढ़ावा हुआ है, आदमी का बढ़ा हुआ, होटलें बढ़े बहुत, काफी मतलब विकास हुआ है यहाँ। पहले विकास हुआ, अब विनाश हो गया। लोगों के अंदर कितना भय रहता है, क्योंकि जैसे कि दीवार फट रहा है यहाँ पे, भय तो रात दिन बना रहता है। लोग जो है हमेशा जो है दहशत में है, जो है कब क्या हो जाए, ये जैसे ये पानी निकला ये फैल भी रहा है और लोगों में बहुत डर है जो है, ये लोग रात दिन जो है दहशत में रहते हैं कैसे करके जो है काम जो है ये बढ़ जाए पानी, कोई वो नहीं है। अभी तो ये पानी निकल गया है तो जो है जेपी के पीछे ये कंपनी के जो है शर्ट के पीछे से ये पानी निकला, तो जो है ये पानी अभी लगातार वैसे ही चल रहा है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुआ है कि लोगों को लेके जा रहे हैं, 4,000 की कुछ मुहैया भी करा रहे हैं, तो उससे लोगों का मतलब परेशान तो दूर नहीं होगा, लेकिन सामूहिक तरीके से थोड़ा राहत मिलेगी। शासन से भी काफी मदद मिल रही है ऐसे। और जो जिस तरह से प्रशासन, आप भी आज भी मिनिस्टर आए थे, लोग आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी आए थे, लोगों का भी सपोर्ट रह रहा है बहुत। जी जी जी, अब कुल मिला के ये है कि जब तक इसका अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा पानी आ कहाँ से रहा है, तब तक तो हाँ चल रहा है साइंस। हाँ, साइंस वैज्ञानिक लोग आए हैं, अब वो निर्णय निकालेंगे क्या है, मेन कारण है क्या, तो तभी उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तब तक क्या सॉल्यूशन निकलेगा? आप उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, होना भी चाहिए, बद्री विशाल की कृपा रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा निश्चित। और आम चाहबू सब किसी ठीक ही जाऊ, जो स्थिति एटी उपजी से स्थिति रे सुधार आसू, कहीं समस्ते चाहूँगी निश्चित भाव स्थिति रे सुधार आ जाओ। से अपेक्षा रही महाप्रभु जो रही बद्रीनाथ कहतु केदारनाथ कहतु धाम, टूरीजम बढ़ी, लोकों संख्या बढ़ी, जेहेतु अधिक रु अधिक लोक आसुँच हूँ तो ये गोटे कारण हो पाए, किंवा जो ड्रेनेज सिस्टम कथा कहते हैं।
ସିୱେଜ୍ ଲାଇନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଇଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସେଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତା ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଛି, 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସାମ୍ନା କରିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯୋଶୀମଠରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଶ ନେଉଛି।